झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारत ने गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है, इससे दुनिया भर में गेहूं के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से दुनिया भर में गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं इंडियन वीट एक्सपोर्ट बैन होने के बाद दुनिया के कई देश भारत के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश भारत में ट्रेडर अब नए एक्सपोर्ट डील तभी कर पाएंगे जब उन्हें भारत सरकार से इसके लिए ज़रूरी मंजूरी मिल जाएगी। वहीं भारत के गेहूं निर्यात बंद करने के फैसले से जर्मनी जैसे देश बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वास्तव में रूस यूक्रेन संकट की वजह से दुनिया भर में गेहूं की आपूर्ति पर इसका असर पड़ा है और भारत से निर्यात खुलने की वजह से दुनिया भर के देशों ने राहत की सांस ली थी। अब भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। भारत से गेहूं निर्यात कर रहे कारोबारियों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। वहीं कारोबारियों ने कहा है कि देश को अपनी ज़रूरत के लिए गेहूं बचाना चाहिए और अगर भारत अपनी ज़रूरत का गेहूं रखने के बाद निर्यात करने का फैसला करता है तो इससे कोई बुराई नहीं है। वहीं रूस यूक्रेन संकट की वजह से दुनिया भर में गेहूं की किल्लत की वजह से भारत ने इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। जब भारत से गेहूं निर्यात शुरू किया गया तो देश के कई हिस्से में गेहूं और गेहूं के आटे की खुदरा कीमत 20 से 40 फीसदी तक बढ़ गई। इसे देखते हुए आशंका जताई जाने लगी कि भारत में गेहूं के भाव में काफ़ी तेज़ी आ सकती है। इस वजह से सरकार के निर्यात पर तुरंत रोक लगाने का फैसला किया गया। वहीं जर्मनी के कृषि मंत्री ने कहा कि भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से दुनिया भर में खाद्यान्न संकट बढ़ सकता है। भारत की तरफ से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की वजह से G7 देशों के समूह ने भी इसकी आलोचना की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हारिफ हुसैन ने कहा कि वह गेहूं की खरीद के लिए भारत से बातचीत कर रहे हैं। रूस यूक्रेन संकट की वजह से दुनिया के कई देशों को खाद्य पदार्थ मिलने में संकट का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्था ने सरकार से गेहूं निर्यात बैन नहीं करने की अपील की थी। वहीं मौसम खराब होने रहने की वजह से इस बार में गेहूं की उपज प्रभावित होने की आशंका है। इस वजह से आशंका जताई जा रही है कि भारत अपनी ज़रूरत के लायक ही गेहूं उपजा पाए। निर्यात करने की वजह से भारत में भी खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। इस बीच मिश्र की सरकार ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगाने के फैसले से उसकी गेहूं खरीद पर असर नहीं पड़ेगा। मिश्र के मंत्री ने कहा कि हम भारत से गेहूं खरीदारी के लिए सरकारी समझौते के आधार पर बातचीत कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से मिश्र को दिए जाने वाला गेहूं मिश्र दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा आयातक देश है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संकट की वजह से इस बार मिश्र में गेहूं की किल्लत होने की आशंका के मद्देनज़र उसने भारत से गेहूं खरीदने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।